इंडिया में जितने भी करप्शन हुए हैं उसकी टोटल वैल्यू आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली $20 ट्रिलियन है, और आज यूएस की इकोनॉमी 19 US dollar trillion है, और वर्ल्ड जीडीपी का जो हमने करप्शन में पैसा खत्म कर दिया वर्ल्ड जीडीपी का 25% है, 1/4 जो टोटल ग्लोबल जीडीपी है। अगर इतना करप्शन में पैसा हमने वेस्ट नहीं किया होता तो अमेरिका जैसे 4 देश हमारे जेब में तो यानी ये इलेक्शन को आप बोल सकते हो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन जो अवेलेबल होता है या देखने को मिलता है ये वो था जहाँ पे कि आर्टिफिशियल किसी भी चीज का इंटरेस्ट आर्टिफिशियल मीडिया हो गई, आर्टिफिशियल सोशल मीडिया हो गई, मैन मेड जितने तरीके होते हैं वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे नहीं थे। प्योरेस्ट फॉर्म में ये इलेक्शन हुआ है, देखा उसी आधार पर आप इसको ऐसे बोलिए कि बिना किसी इन्फ्लुएंस के। देखिए वोटर्स किसको वोट देगा इसमें दो फैक्टर है, एक तो उसका सेल्फ का डिसीजन होता है, दूसरा इन्फ्लुएंसर का। इन्फ्लुएंसर में कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है, कोई बड़ा नेता भी हो सकता है, मीडिया सोशल मीडिया हो सकती है, अच्छी बुरी झूठी खबरें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं था, तो जो वोटर हार्डकोर जिसको अच्छा लगता था, जिसके बारे में उसने मन से सोचा था, जो दिल की बात थी वही जाके वोटर ने जो है वोटिंग मशीन में उतार दी। मैं बोलता हूं कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, ग्राम प्रधान के इलेक्शंस होते हैं, वो सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन होते हैं, और केवल लोकल चीजों पे, लोकल डायनामिक्स, लोकल मुद्दे, लोकल कैंडिडेट, लोकल वर्करों की मेहनत पे वो डिपेंड करते हैं। जीत या हार जो होती है वो होती है, बाहरी किसी चीज का एडिटिव चीज जिसको बोला जाए या कोई बाहरी आर्टिफिशियल कैटालिस्ट इसमें काम नहीं करता है, कोई पॉलिटिकल कैटालिस्ट इसमें काम नहीं करता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एकदम प्योर फॉर्म है ये, एकदम मौलिकता इसमें झलक रही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप राजनीतिक सलाहकार हैं, आप लगातार ये बात कहते रहे कि उपचुनावों में लोकल फैक्टर फर्क डालते हैं, क्या यही बात योगी जी भी कह रहे हैं? आप ही के चैनल पे मैंने बहुत पहले डिक्लेयर में मेरे को कोई डाउट नहीं है, सपा बसपा जीत जाएगी चाहे अतीक अहमद या कोई भी हो, वो रिजल्ट आपके सामने है, ये आज नहीं इलेक्शन के पहले भी मैंने बोल, इलेक्शन होने के पहले। दूसरी चीज मैंने यहीं पे ये भी बोली थी कि कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की चीज नहीं है कि गोरखपुर से भी बीजेपी हार जाए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन 1-2% के चांसेस हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए इस डायनामिक्स के हम एनालिसिस करते हैं, अगर विपक्षी दल सपा बसपा ये सब ये सोच रहे हैं कि हम इस इलेक्शन के रिजल्ट को यार्ड स्टिक बना के 2019 में भी जीत लेंगे या अभी से ये प्रचारित करें, हालांकि वो करेंगे, पॉलिटिक्स में ये होता है सब जगह यही होगा, लेकिन इसका 2019 के इलेक्शन से कोई जो है लेना देना नहीं है, और उसमें जो लिमिटेड एरिया में वॉर होता है, जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर देखिए जो छोटे एरिया में होता है, और जब फुल स्केल पे वार होता है जहां पे हर चीज ओपन होती है, कोई भी दांव पे आप चलिए, कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, वहां के डायनामिक्स, वहां के रिजल्ट और वहां के लोगों का मनोभाव, मैं आपको ये भी एश्योर करता हूं 2019 में अगर इलेक्शन होगा और अगर गठबंधन भी हुआ तो यही वोटर जो जिन्होंने इन लोगों को वोट दिया है वो पलट के कहीं भाई 2014 में भी तो बीजेपी को जो जीत मिली, जो वोट शिफ्ट हुआ 10-15-20% का एडिशनल, वो सपा बसपा मायावती जी कांग्रेस इन्हीं सबके तो वोट थे, क्यों वो सपा बसपा को छोड़ करके चले आए? तो जो फुल फ्लैग वॉर होता है, जो फुल फ्लैग इलेक्शन नेशनल या स्टेट लेवल पे होता है, वोटर वही रहते हैं सर, वोटर कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन वो अपना प्रिफरेंस बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं इसके पीछे की डायनामिक्स को समझिए, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग स्टिमुलस जो होते हैं वो काम करते हैं, और वोटर का जो फाइनल फर्स्ट डिसीजन होता है वो वोटिंग डे तक जाते जाते कई बार पलटी खाते खाते बदल करके अल्टीमेटली वो जिससे इन्फ्लुएंस होता है उसको जा करके वो वोट डाल देता है, ये फैक्टर काम करता है। तो 2019 के इलेक्शन के लिए इसको यार्ड स्टिक टेक्निकल वे पे अगर एनालिसिस की जाए, स्ट्रेटजिक वे पे, तो मैं नहीं मानता हूँ दो सीटों की हार या जीत को पूरे आप 500 पूरे लोकसभा की सीट या इलेक्शन के लिए यार्ड स्टिक आप नहीं मानते। ये जो बयानबाजी है या बयान है, ये एक ऐसी लकड़ी है जिसको राजनीतिक दल अपने चूल्हे में लगा के उसकी आग लगाते हैं, उसकी आग जलाते हैं, और राजनीतिक रोटी और वोट बैंक की जो है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में अभी भी जो है मतबंधन करना है तो सबसे अभीष्ट फार्मूला वो जो है आपका गठबंधन है, और इसी के लिए सारी पार्टियां अपने जो है सारे मतभेदों को बुला करके, भले एक दूसरे के दुश्मन हो, आइडियोलॉजी उनकी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी है, लेकिन जब देखते हैं कि अब और कोई रास्ता नहीं है तो वो घूम फिर के गठबंधन के रास्ते पे आ जाते हैं। इनके पास इतना ज्यादा वैचारिक अकाल पड़ जाता है कि चुनाव जीतने के लिए उनको ऐसे सस्ते बयानों की और गंदे बयानों का सपोर्ट या सहारा लेना पड़ता है। आप बड़े बड़े नेताओं से पूछिए कि आप लोग ऐसे बयान क्यों देते हैं, क्या आपके पास कोई विचारधारा नहीं रह गई है?
जो अच्छा अब शुरुआत आप एक अच्छी विचारधारा से करेंगे, शुरुआत आप देश के गोद से करेंगे, सबको साथ लेके करेंगे और 10 मिनट के बाद या 10 दिन के बाद वो सारे के सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं और सारे लोग ऐसी लड़ाइयों में उलझ जाते हैं कि छोटे छोटे एकदम गिरे हुए स्तर का आप लोग बयान देने लगते हैं। बोलता है उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में काम ने नहीं बोला, चुनाव में हार जीत के टाइम पे इनके काम ने नहीं बोला, लेकिन वाकई में काम बोलता है और यही जो एक पॉलिटिकल स्टाइल है वेल्थ क्रिएशन का, मैं देश हित की बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा गुप्त और पेटेंटेड मंत्र है ना जो हमारे देश में कारपोरेट या छोटे बड़े जो उद्यमी हैं जो मेहनत करके कमाते हैं उनके पास नहीं है। तो सारे राजनेताओं और इन सारी पार्टियों से मैं बोलना चाहूँगा, ये जो आप लोगों का गुप्त मंत्र है, फंडा है वेल्थ क्रिएशन का, IIM, IIT वगैरह इन सब स्कूलों के सिलेबस में आप लोग जो है जरा पढ़वा दीजिए तो शायद मेरे ख्याल से हमारा देश भी अमेरिका वगैरह से आगे बढ़ जाएगा। ये है कि इतने सारे मीजर्स लिए गए, नोटबंदी वगैरह किए गए और उसके बाद अगर ये रिजल्ट आ रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों में 200% का एवरेज, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, ये तो घोषित है। मैं आपको बता दूं, भारतीय राजनीति में मत बंधन यानी वोट बंधन करने का अभी भी एक बड़ा अभीष्ट तरीका है जो कभी फेल नहीं होता है, वो गठबंधन होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बिहार का इलेक्शन बेस्ट एग्जाम्पल है। बिहार इलेक्शन में नीतीश और लालू जी का जो गठबंधन था, 1,25,00,000 रुपए जो है प्रधानमंत्री मोदी ने डिक्लेयर किया था, इतना होने के बाद भी वो तीसरे नंबर पे आ गए। राजनीतिक दायरे में रह के हर तरीके के चाल चलना, रणनीति बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना सारी पार्टियां करती है। गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो वो क्या आप बोलेंगे अगर आप भाजपा को बोल रहे हैं? ऐसे हजारों उदाहरण है जहां पे धर्म और इन सब चीजों का यूज सारी पार्टियों ने किया गया है। सवाल इस चीज का है कि बीजेपी ने इनको क्यों लिया अपनी पार्टी में? टाइम पे जो है ऐसे बयान दिए हैं जो अशोभनीय है और अपने समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए भारत भूमि अपने आप में एक ऐसी वैचारिक धरती है। जनता ऐसे लोगों को रोके, तो विवेकानंद को लीजिए, उन्होंने भी केवल अपने बयानों से अपने भाषणों से पूरे देश को बदल दिया। सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी जो है फजीहत होती है, सरकार की जो एनर्जी लगती है सरकार के बनाने में। हिसाब से देखेंगे तो मैं तो बोलूंगा कि जो पाषाणयुगीन मानव था शायद सभ्यता के उस स्तर पे, पक्ष या विपक्ष, किसी भी एक पार्टी की उदासीनता या कमजोरी जो होती है वो दूसरे पार्टी के लिए मजबूती बन जाती है। आपको क्लियर कर दूं, बाई इलेक्शंस और जो मेन इलेक्शंस होते हैं दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है और कहीं से भी कोई कोरिलेशन हमें नहीं लेना चाहिए। ये बोला है कि बाई इलेक्शन जो है वो प्योर एक गांव का जो इलेक्शन होता है उसकी तरह होता है, जहां पे केवल लोकल इंडिविजुअल क्लाइंट जो है उसके मुद्दे होते हैं उसकी अपनी। तो मैंने बोला है कि ये इलेक्शंस बड़े ही नेचुरल और रिस्ट्रिक्टेड वे में होते हैं। 1+1=11 होता है, ये उसका एग्जांपल है। बीजेपी का खेल केवल कम वोटिंग परसेंट पे भी परसेंट नहीं, लेवल का इलेक्शन होता है। स्टेट लेवल और उससे लोअर जो लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे जातीय गठबंधन या एक दूसरे से हाथ मिलाना ये एक बहुत बड़ा पीछे जाके देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद बिहार में केवल एक गठबंधन था जिसने बीजेपी को बड़ी बुरी तरीके से हराया। हालांकि फूलपुर के लिए तो पहले से भी था, क्योंकि फूलपुर में जो 2014 में जीत हुई थी वो आर्टिफिशियल या बाहर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये उनके लिए संजीवनी का 2022 से कोरिलेट करने का स्टेटस में कोई मतलब नहीं है। सपा और बसपा का ये जो गठबंधन है कहीं ना कहीं इसने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। 2019 से कोरिलेट नहीं करना चाहिए। परसेंटेज देखिए, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। परसेंटेज से क्या एनालिसिस की जा सकती है? आप वोटिंग परसेंटेज को तीन पर्टिकुलर उसमें देखिए, एवरेज वोटिंग और एवरेज के ऊपर की वोटिंग, मतलब एबव एवरेज, और वोटिंग परसेंटेज जब एवरेज के नीचे होता है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम ये दोनों सीट जीत जाएं या हार जाएं। कंक्लूजन ये होता है कि वोटिंग परसेंटेज तभी ज्यादा होगा जब वोटर्स इंटरेस्ट लेंगे और अपने घर से बाहर निकलेंगे।
एक सिंपल बड़ा सिंपल सा रीजन है। वोटर इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, मतलब वोटर्स का जो मास बिहेवियर होता है वो अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे लिए ये कोई बहुत चौंकाने वाले बात नहीं है। उसके पीछे तीन चार बहुत लॉजिक है, बड़े सॉलिड लॉजिक है, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नेशनल या स्टेट लेवल का डायनामिक्स अलग होता है और लोकल लेवल पे डायनामिक्स अलग होता है। पार्टियों की अपनी प्रेफरेंस भी होती है, प्रेफरेंस होने का मतलब है सेंटर में और स्टेट में, उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। उनके आला कमान की बात, कैंडिडेट है उनके लिए डेफिनेटली ये मायने रखता है। वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे सिक्के का दूसरा पहलू, जो हारी हुई पार्टी है सपा बसपा, वो तो ये तो उनके लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई तो होती है। जो ये गठबंधन हुआ है, अगर आप जातिगत समीकरण देखेंगे, आप बिहार का एग्जांपल करने के बाद भी अगर वहाँ पे बीजेपी फेल हुई थी तो उसका सिर्फ एक अगर गठबंधन नहीं होता तो वहाँ पे भी बीजेपी निकल जाती, क्योंकि वो वोट दो पार्टियों में पहले से ही जानती थी, भले ही वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन दुनिया जानती है कि वो कोई इंडिविजुअल आदमी जैसे अतीक अहमद हुए, अगर इन्होंने एक पार्टी छोड़ दी तो वो उनके साथ होलसम जो उनका वैल्यू प्रोपोजिशन है उनके पॉलिटिकल प्रोफाइल में, पॉलिटिकल पर्सनालिटी में, तो वो एडिशन भी कम होता है। आप पार्टी छोड़ के बाहर जाएंगे, जब आप पार्टी में थे तो आपको बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे, जब आप निर्दलीय खड़े होते हैं तो हो सकता है आपको बहुत कम वोट मिले। अतीक अहमद का जो वोट काटने वाला फंडा है वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को नहीं रोकता है। इनका जो एक नेचुरल फेनोमेना होता है कि बिटवीन जो है कैंडिडेट कई जगह पे निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए, तो वहाँ पे ऐसा कौन सा फैक्टर काम करता है कि इतनी बड़ी लहर में एक निर्दलीय उम्मीदवार हमेशा से जीत रहा है और जीत गया उसे इलेक्शन होते हैं जहाँ पे की बड़े लिमिटेड जो है डायनामिक्स होते हैं और एक उनका अपना पेरिफेरल होता है, उसी पेरिफेरल में ना बाहर का कोई आर्टिफिशियल जो है स्ट्रेटजी वो इंटर कर पाती है और ना यहाँ का जो इसी तरीके से इंटरनल एनवायरनमेंट पे इस सीट पे जो भी मुद्दे हैं, जो भी रिजल्ट होगा वो बाहर के जो है अपने पेरिफेरी के बाहर वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। बीजेपी को एक बार सोचने को मजबूर किया और बीजेपी की खासियत ये है, मैं दूसरी पार्टियों से भी बोलना चाहूंगा कि हमें थोड़ा बहुत विपक्षी लोगों की रणनीति को देख करके भी सीखना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए। बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बदलते हुए माहौल के हिसाब से अपने आप को चेंज या एडॉप्टेशन जो होता है वो बहुत तेजी से करती है, तुरंत ये वोटर एक कॉन्सेप्ट होता है कि पार्टी हारे या जीते लेकिन वो कभी भी पार्टी को छोड़ के नहीं जाते। अगर ग्राउंड लेवल पे आपने इतना काम किया है तो आप एक नेता वहां से नहीं ढूंढ पाए, आप चुनाव से ले आ रहे हैं। जो मेन होते हैं दोनों के डायनामिक्स बहुत अलग होते हैं। इधर जाके डिफरेंट सिक्के के दूसरे पहलू के आप से जो है आप जो है एनालाइज कर पाया क्या, खोया तो ये खोया क्या पाया क्या। देखिए आप ये मान सकते हैं कि जो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है इतने इजी वे में हार जाए, कहीं ना कहीं मेरे दिल में मैं ये भी मानता हूँ स्ट्रेटजिक वे में कि बीजेपी ने जानबूझ के इस इलेक्शन को हारने दिया या दूसरों को जीतने दिया। किसी भी एक पार्टी की उदासीनता या कमजोरी जो होती है वो दूसरे पार्टी के लिए मजबूती बन जाती है। जातिगत जो मामले में मैं और भी बोलता हूँ, अगर आप पर्दे के पीछे देखेंगे तो भाजपा के केंद्रीय प्रशासन में या केंद्रीय नेतृत्व में कान पे जू भी नहीं रहनी है, उसके मैं लॉजिक आपको दूंगा। एक पॉलिटिकल एम्बुश एक वर्ड होता है, उसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये जो था, ये व्यक्तिगत जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री योगी जी और उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य जी, ये उनकी नेतृत्व क्षमता उनकी रणनीतिक क्षमता के ऊपर ये चीज एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्वेश्चन ये उठेगा, बीजेपी हाई कमान वाले ये पूछेंगे कि भाई जब हाई कमान रहेगा तो आप इतने अंतर से जीतते हो और हाई कमान नहीं है तो आपकी क्षमता ये है। तो ये लोग हार जीत से ज्यादा दुखी नहीं है, इस चीज से ज्यादा दुखी है कि इनको एक बार ये समझ में आ गया, बीजेपी ये बोलेगी कि भाई सेंट्रल कमांड जो टीम है वो सेंट्रल कमांड है, उसके बिना आप लोगों की नेतागिरी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये इनके लिए इंडिविजुअल एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसकी इम्पोर्टेंस मैं देता हूँ और जो मैं देख रहा हूँ 2019 के। देखिए ऐसे ही मैं जीतनी वाली पार्टी को सपा बसपा को भी मैं बोलना चाहूंगा, आप जीत रहे हैं या जीतेंगे, जो भी जीतेंगे मेरी तरफ से उनको बधाई है और खुश होने का उनके लिए मौका है। लेकिन 2019 की जो चुनौती है, इस जीत की खुशी में आप इतना ना खो जाइएगा कि एक साल केवल ऐसे ही बस खुशी मनाने में गुजर गया, दो सीटों से आप सरकार नहीं बना पाओगे, एक बहुत बड़े लेवल पे आपको तैयारी करनी है और माइक्रो लेवल पे आपको चेंजेस करने हैं। सवाल, बीएसपी को फायदा क्या? नहीं देखिए, फायदे दो तरीके के होते हैं, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, देखिए हो सकता है यहाँ पे प्रत्यक्ष कोई फायदा ना रहा हो, यहाँ पे कैंडिडेट जो है आपके समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन सबसे पहला फायदा ये है कि एक लिटमस टेस्ट लेने के लिए और एक ये जो भय की प्रवृत्ति विपक्षी पार्टियों में, भाजपा लगातार जो है सब जगह चुनाव जीतती जा रही थी तो सारे विपक्ष में एक ये
क्वेश्चन मार्क उनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि भाजपा को कैसे रोका जाए, भाजपा को कैसे रोका जाए। तो डायरेक्ट फ्रंट पे ना आते हुए बीएसपी ने जो सपोर्ट दिया है वो एक लिटमस टेस्ट था कि भाई ये फार्मूला हिट होता है, सक्सेस होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए मैं बिना किसी लाग लपेट के आपको बताऊंगा कौन जीते कौन हारे, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं उस तरीके से भी बीइंग अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट मेरी एनालिसिस ऐसे नहीं रहती है कि जी जनता ने वादा खिलाफी के कारण वोट दिया। हम तो डायनामिक्स को पकड़ते हैं सर। अगर देखिए डायनामिक्स को देखा जाए, और मैं फूलपुर सीट के लिए मैंने बहुत पहले डिक्लेयर किया था भले ही सब लोग बोल रहे थे भाजपा, तो यहाँ पे ये जो हार और जीत है, देखिए सेंट्रल पार्टी बीजेपी की जो सेंट्रल पार्टी है उनका कोई रोल नहीं था। अगर सेंट्रल पार्टी बीच में कूदती है इलेक्शन मैनेजमेंट में तो उसके इम्पैक्ट दूसरे होते हैं। ये सारा का सारा जो दारोमदार है वो क्वेश्चन मार्क उठेगा जो लोकल बॉडीज है जिन्होंने इस इलेक्शन को मैनेज किया, जो लोकल लीडर है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हो चाहे योगी जी हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए बेनिफिट 2019 के इलेक्शन के लिए सबसे पहला बेनिफिट देखिए इसका, मैं ये मानता हूँ ना कि अगर पार्टी में जीत का अकाल पड़ा हो आपकी सारी साथी के चैनल पे, मैं लगभग 11 तारीख के पहले से हूँ और वहाँ मैं क्लियर कट ये डिस्कशन में मैं बोलता रहा हूँ कि जो नेशनल लेवल का इलेक्शन होता है, जो स्टेट लेवल का होता है और जो लोकल लेवल का या बाई इलेक्शन किसी एक लिमिटेड सीट पे होती है, तीनों के डायनामिक्स, तीनों की क्रिया प्रतिक्रिया। एक बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने गोरखपुर में भी जीत दर्ज कर ली है। तो सपा ने दोनों ही सीटों पर मैदान मार लिया है और एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है समाजवादी पार्टी के लिए। और उन्होंने जो गेम खेला इस चुनाव से पहले उसका असर देखिए अब दिख रहा है। एके मिश्रा जी, इस जीत को कैसे देखा जाए? इस जीत को देखिए, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ जो मैं बता रहा था। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस हो गए, मेयर के इलेक्शंस, ये इलेक्टोरल प्रोसीजर का, इलेक्शन का सबसे नेचुरल फॉर्म होता है जिसमें कोई इम्प्यूरिटी नहीं होती है। इसको एक इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करिए। जब नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है तो हो सकता है कोई कैंडिडेट जो है बहुत कमजोर हो, लेकिन एक नेशनल हवा बनेगी, सेंट्रल कमेटी जो है अपनी इमेज बिल्डिंग करती है, वहाँ मुद्दे अलग होते हैं, लोगों का प्रेफरेंस और साइकोलॉजी अलग होती है। लोकल इलेक्शन में होता क्या है कि एक तो नेशनल बॉडीज का जो है सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसे केंद्रीय टीम का सपोर्ट नहीं मिलता, उसमें बड़े लेवल पे प्रोपोगंडा नहीं होता है, और क्योंकि उनके पास मुद्दे होते नहीं है। अब पाकिस्तान का मुद्दा तो आप बनाओगे नहीं यहाँ पे लड़ने के लिए, बेरोजगारी का मुद्दा बनाओगे नहीं, तो लोकल इलेक्शन पे जो कैंडिडेट होता है 80-90% हार्डकोर उसकी मेहनत काम करती है, उसकी रेपो क्या है, उसकी इमेज क्या है, और उस कैंडिडेट वर्सेस जो वोटर्स हैं उनके बीच की केमिस्ट्री और पॉलिटिकल बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, इस चीज पे ये डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये देखा जाए, आप पूरे इतिहास को लेके देखेंगे और भारत में जहाँ विभिन्न धर्मों के, संप्रदाय के, जाति पात के लोग रहते हैं, तो इस चीज को इलेक्शन से इनकार या निकाला नहीं जा सकता है। जातिगत जो मुद्दे होते हैं, देखिए एक चीज बताऊं, मत बंधन यानी वोट बंधन का सबसे प्रभावी तरीका भारत में अभी भी गठबंधन है। ये गठबंधन का असर आपको बिहार में भी देखने को मिला था कि 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने मंच से डिक्लेयर किया था, लेकिन ये गठबंधन के कारण इतना स्ट्रॉन्ग मत बंधन या वोट बंधन हुआ कि वो तीसरे नंबर पे आ गई। उसके बाद क्या होता है, देखिए रूलिंग पार्टी जो है उसने इस इलेक्शन को कैसे लिया। देखिए किसी एक पार्टी की जो कमजोरी होती है वो विपक्ष की या अपोजिशन की जो है मजबूती के रूप में उभरती है। रूलिंग पार्टी पे